एवरीवन वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा UMG एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में म्यू और फाशाई को दिखाया जाता है। वो लोग गिर गए थे, फिर उसके बाद वो लोग बेहोश हो गए थे। दोनों को होश आता है, ओकी नींद खुलती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रात में वो जग नहीं पाया था। फर्स्ट ऑफिसर आके उससे पूछताछ करते है और वो सब कुछ बताता है कि वहाँ पे 4 लोग थे, अभी 2 जन मिल नहीं रहे हैं। म्यू सारा पानी पी लेता है और फिर फाशाई बोलती है, तुम्हें तो पता है ना जंगल के सारे रास्ते, अब चलो हम कैंप तक जाते हैं। म्यू बोलता है, नहीं मुझे सब रास्ते पता नहीं है, मैं बस हमारी जो सीक्रेट वे से वहाँ तक ही जा सकता हूँ, क्योंकि पास्ट में अनमार्क करके रखा करती थी सारे पेड़ में ताकि वो आसानी से सीक्रेट वे तक जा पाए। और म्यू और फाशाई के ऊपर गुस्सा था क्योंकि उन दोनों ने उन्हें नहीं बुलाया था और खुद ही मीटियर शावर देखने चले गए थे। जेक उसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें जैसे भी करके म्यू और फाशाई को ढूंढना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है। वो खुद भी अपने फेस पे ढेर सारी मिट्टी लगाता है और जेक के फेस में भी। वो बोलता है, इस मिट्टी के स्मेल की वजह से जो खूंखार जानवर है वो हमारे पीछे नहीं आएंगे। म्यू के पैरों में चोट लग गई थी इसीलिए फाशाई उसे बार बार बोल रही थी, तुम यहाँ पर बैठो मैं हेल्प लाती हूँ। वो बोलता है, नहीं मैं तुम्हें ऐसे कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगा। फिर वो चलने लगता है और गिर जाने लगता है, तभी फाशाई उसकी मदद करती है और दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ओ और जेक भी फॉरेस्ट में घूम जाते हैं। जेक को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो ओ को बहुत कुछ सुनाता है। फिर वो मिस्टर कीट को भी उल्टा सीधा बोलना शुरू करता है और ये सुन के ओ को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, मुझे जो कुछ भी बोल लो लेकिन उन्हें मत बोलना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और तुम देखना मिस्टर कीट जरूर से बचाने आएंगे। मिस्टर कीट आते हैं लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हें रोक लेते हैं। वो लोग बोलते हैं, 2 स्टूडेंट गुम चुके हैं और 2 स्टूडेंट मिले हैं, इसीलिए आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं फिर भी फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं मानते हैं। म्यू बैठ के पास्ट की बातें सोचने लगता है कि कैसे वो और अर्न खेला करते थे। उसके पास उन दोनों की एक तस्वीर भी थी। पीछे से आती है फाशाई और बोलती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? वो बोलता है, नहीं हम तब बहुत छोटे थे, हम बस दोस्त थे। फाशाई बोलती है, नहीं तुम उसे बहुत पसंद करते थे और अभी भी करते हो, और देखना अर्न एक दिन वापस जरूर आएगी। वो बोलता है, नहीं अर्न मर चुकी है, मुझे पता है और ये मेरी गलती है। और फिर वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है? वो बोलती है, नहीं मैं तो सिंगल हूँ, लेकिन मुझे पता है एक लड़का आएगा जो बहुत अच्छा होगा। फाशाई पानी लेके आई थी। म्यू पूछता है, कहाँ से मिला? वो बोलती है, पास में ही एक वाटर फॉल है, वहाँ से लाई। म्यू बोलता है, उसी वाटरफॉल के पास से ही अर्न गायब हो गई थी, इसीलिए मैं वहाँ कभी भी नहीं जाता था, लेकिन मैं आज जाना चाहता हूँ, मैं आखिरी बार अर्न को गुड बाय बोलना चाहता हूँ। वो जेम्स को बोलता है, तुमने बताया था कि वो मॉन्स्टर म्यू ने क्रिएट किया था और वो फेक था। वो बोलता है, हाँ। वो बोलता है, लेकिन वो दूर क्या दिख रहा है? क्या वो एक मॉन्स्टर है? दूर में एक मॉन्स्टर जैसा क्रिएचर था। दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो उस पे वार करने लगता है और वो क्रिएचर भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो बचता है। असल में ये तो मिस्टर कीट थे, क्योंकि उनको फॉरेस्ट में एंट्री नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने ये वाला कॉस्ट्यूम पहना और वो अंदर आ गए। मतलब ये वाला सीन ना बहुत ही फनी था। वो बहुत ही मुश्किल से उन दोनों को मनवाते है कि वो मिस्टर कीट है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे और मिस्टर कीट भी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो डरते हुए बोलते है, पता है मैंने जंगल में एक भूत को देखा। वो उनके बातों का विश्वास नहीं करता है, लेकिन जेक भी किसी को देखता है और पूछता है, क्या उस भूत ने येलो कलर का ड्रेस पहना था? मिस्टर कीट बोलते हैं, हाँ तुम्हें कैसे पता? जेक बोलता है, वो हमारे पीछे है। फिर तीनों ही बहुत जोर से चिल्लाते हैं और भागने लगते हैं। किसी को दिखाया जाता है लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। म्यू और फाशाई वाटरफॉल के पास बैठे थे और म्यू बहुत ही ज्यादा सैड था। वो बार बार
बार बोल रहा था मुझे पता है और तुम नहीं हो, फिर भी मेरा दिल बोलता है तुम कभी ना कभी जरूर वापस आओगी। पाशाई उसे संभालती है, बोलती है तुम होप रखना, वो जरूर लौटेगी तुम्हारे पास। वो बोलता है थैंक यू मेरे पास रहने के लिए, मुझे और एक दोस्त मिल गया। फिर हंस के बोलता है नहीं नहीं, ओ और जेक भी तो मेरे दोस्त थे। दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। म्यू बोलता है अब तुम्हें मैं ले जा सकता हूँ, यहाँ से मुझे रास्ता मालूम है। वो लोग कैंप जाते हैं और फिर कुछ खाने लगते हैं। फिर वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं, इनका नाम होता है सुइया, और ये अच्छी तरीके से म्यू को जानते थे और म्यू के दोस्त थे। वो म्यू को बोलते हैं तुम तो यहाँ पर हमेशा अकेले आया करते थे ना, ये लड़की कौन है, बहुत सुंदर है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो हंस के बोलता है नहीं बस फ्रेंड है। फिर फाशाई बोलती है अगर अन लौटेगी तो मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उसी ने रास्ता बनाया था इसीलिए हम दोनों आज बच पाए हैं। फिर वो बोलती है लेकिन ओ और जेक का क्या, अब हमें उन दोनों को ढूंढना होगा। म्यू हंस के बोलता है दो नहीं तीन। फिर वो बोलती है मतलब, फिर वो दिखाता है वो देखो मिस्टर कीट, ओ और जेक आ रहे थे। तीनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे, बार बार बोलते है हमने गोस्ट देखा। म्यू मान जाता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। म्यू बोलता है फाशाई ने मुझे समझाया है कि बहुत कुछ होता है जो हमें दिखता नहीं है, इसीलिए मैं मान रहा हूँ शायद आप लोगों ने गोस्ट को ही देखा था। वैसे आप लोगों ने कैमरा में कोई ना कोई फुटेज तो जरूर लिया था, तो मुझे देखना है कि गोस्ट कैसा दिखता है। वो ऐसे ही मजाक मजाक में कैमरा देखना शुरू करता है। उसे एक पेड़ दिखता है जिसमें किसी ने एरो बनाया था, और सेम टू सेम अर्न जैसा ही एरो बनाया था, लेकिन ये एकदम फ्रेश था, आज ही बनाया था। वो जंगल की तरफ भागने लगता है, उस पेड़ को ढूंढ निकालता है और बोलता है इसका मतलब अर्न आ चुकी है। फिर वो भागते हुए अपने सीक्रेट बेस में जाता है और अर्न को ढूंढने लगता है। तभी बाहर से एक लड़की आती है जिसके पैरों में सेम शूज था और एक ही शूज था जो अर्न ने पहना हुआ था। और फिर वो लड़की म्यू को बोलती है म्यू क्या ये तुम हो, और वो म्यू के पास आती है और बेहोश हो जाती है। म्यू उसे बार बार अर्न बोल के पुकार रहा था। एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होती है, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।